बालाघाट के शासकीय माध्यमिक स्कूल मगरदर्रा के 11 बच्चे अचानक ही बीमार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जिसमें दो बालिकाओं को सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्हें गहन चिकित्सा में रखा गया है। बताया जा रहा है कि स्कूल में प्रार्थना होने के बाद अचानक एक के बाद एक बच्चों की तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद उन्हें जिला चिकित्सालय के शिशु गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती कराया गया है, जहां मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने स्वयं इन बच्चों का परीक्षण किया। अस्पताल में भर्ती सभी बच्चे कक्षा 6वीं से 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं। मामले की जानकारी पर जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय ने स्कूल और अस्पताल में बच्चों से भेंट की। डीईओ ने कहा कि मामले में जांच की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट आने पर स्थिति स्पष्ट होगी। सर, मगरदरा स्कूल के कुछ बच्चे आए बीमार होकर, आपने विजिट किया, क्या देखा सर, क्या स्थिति में बच्चे? मैं स्कूल से आ रहा हूँ, वहाँ पर सभी गणमान्य नागरिकगण और सभी हमारे बालाघाट जिले के अधिकारी भी उपस्थित थे। अभी पहुँचा हूँ, बच्चों के जरूर 2-3 बच्चों के बहुत अधिक ऐसे बेहोश होने की खबर मिली थी। कुछ बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा था, अनिजी महसूस कर रहे थे, तो सभी बच्चे यहाँ अस्पताल में आए हैं और अभी मैं सभी बच्चों से मिल के आया हूँ। सभी बच्चे अभी फिलहाल अच्छे हैं। किस कारण से कुछ ऐसा समझ में आया सर? अब मैं इसकी जांच हमारे डॉक्टर साहब और हमारे पीएचई के अधिकारीगण और जांच से संबंधित जो अधिकारीगण हैं वो लोग वहां जांच कर रहे हैं, इसको पता चलेगा। जैसे कुल कितने बच्चे हैं सर? ऐसे यहां पर टोटल 9 थे, 2 बच्चे मेरे तो उपस्थित रहने पर वहाँ बोले हम लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा तो उनको भी लेके आए हैं, तो ऐसे 11 बच्चे हैं। बाकी सब ठीक है सर? बच्चे अच्छे। क्या नाम है बेटा आपका? शुभम। जोर से बोलो। शुभम होरिन खेड़े। बेटा कैसे बीमार पड़े, क्या हुआ आप लोगों को? पहले प्रार्थना के समय एक दीदी गिरी। अच्छा। उसके देखने देख थोड़ी देर बाद धीरे धीरे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या हो गया था आप लोगों को? चक्कर आ गया था। अच्छा, स्कूल में कुछ सेवन किए थे आप लोगों ने, भोजन पानी वगैरह? नहीं, पानी पिए थे बस। अच्छा, स्कूल में पानी पिए थे। कैसा था पानी, खराब था? नहीं, फिर पानी तो रोज पीते हैं वहाँ का। अच्छा, अच्छा था पानी। क्या नाम है आपका? शुभम खेड़े। क्या नाम है बेटा आपका? आरुषि। आरुषि, क्या हो गया, कैसे बेहोश हुई आप लोग? पानी पीने के बाद। स्कूल में पानी पीने के बाद में जी। अच्छा, कैसा लगा था? पानी पी थोड़ा अच्छा लग रहा था, थोड़ी देर फिर चक्कर आ जैसा लगा, फिर बेहोश होने लगा। अच्छा, उसके बाद में आप लोगों को यहाँ लाए जी। कैसे लाए हैं? एम्बुलेंस से। अभी कैसी ठीक तबीयत आपकी होगी, ठीक लग रहा है या कुछ गड़बड़ है अभी? अभी ठीक लग रहा है। आपका परिचय देंगे? मेरा नाम शंकर बिसेन है, मैं जनपद पंचायत बालाघाट में भी उपाध्यक्ष पद पे स्थापित हूँ। जी बताएं, किस तरीके की घटना है, कहाँ की घटना है? मुझे फ़ोन आया वहाँ उस गांव के कुछ लोगों का जी, कि बोले भैया, बोले यहाँ स्कूल में जो है 10-12 बच्चे बेहोश हो गए हैं। तो मैं सडनली अपनी गाड़ी स्टार्ट करके गया तो एम्बुलेंस आ चुकी थी, 4 बच्चे एम्बुलेंस में थे, एक बच्ची को मैंने अपनी गाड़ी में लेकर के यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो वहाँ बताया गया कि पानी पीने के बाद में जो है बच्चों को ऐसी बेहोशी की स्थिति उत्पन्न हुई है करके। अभी फिलहाल यहाँ चिकित्सालय में सभी का उपचार प्रारंभ है और सभी बच्चे जो है खतरे के बाहर। क्या लगता है सर, वो पानी कौन सा पानी, क्या दिक्कत हुई होगी पानी में जो ऐसी तरह की घटना हुई है? हो सकता है पानी का हो सकता है, या फिर जो है तेज़ गर्मी थी, आज उमस थी, उसकी वजह से भी बेहोश हो सकते हैं बच्चे, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, अभी स्कूल में जो बच्चे हैं उनका कैसे देखरेख की जा रही है? अभी वहाँ पे स्टाफ है, गांव के कुछ लोग हैं, TI साहब का अमला चले गया है, स्वास्थ्य विभाग का अमला चले गया है, और भी वहाँ पे बच्चों को केयर कर रहे हैं जी। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम शेषी टेगा, शेषी टेगा। कौन सी स्कूल में पदस्थ हैं आप? माधवशाला। बताएं किस तरीके की घटना घटित हुई आपके स्कूल में? ये प्रार्थना के समय जी, बच्ची क्या है, प्रार्थना हो गया था जी, एक बच्ची आरुषि नाम की प्रार्थना होती गिर गई। अच्छा, इसके बाद में क्या छुट्टी कर दी। तो उसके बाद फिर कितने बच्चे बीमार हुए हैं? 8-9 बच्चे। 8-9 बच्चे। हमें जानकारी मिली कि वहाँ कुल 17 बच्चे बीमार हुए हैं, जिनमें से 9 बच्चों को जिला अस्पताल में लाया गया है। 17 बच्चे नहीं, 9। तो कितनी एम्बुलेंस आई थी वहाँ पर? सर वहाँ पर 3 एम्बुलेंस। 3 एम्बुलेंस आई थी ना, अभी गई भी होगी हमारे आने के बाद। हाँ, तो कैसे, किस तरीके की घटना, क्या लगता है कैसे हुआ है? क्योंकि बच्चों का कहना है कि हेडपम्प का पानी पिए थे, उसके बाद जो है ये स्थिति निर्मित हुई है। ये तो पता नहीं। तो क्या हेडपम्प कितना पुराना है, उसकी सफाई वफाई की क्या स्थिति है? हेडपम्प तो पुराना है। कितना पुराना है? मैं तो सर 2013 में आया हूँ, उसके पहले से लगा हुआ। तो अभी ये बारिश नया भी खोदे सर वहाँ पर?
अच्छा, तो वो चालू हो गया? चालू। तो अभी बच्चों ने कौन से हेडपम्प नए वाले हेडपम्प के पानी से पिए थे? आपका नाम बताइए। बालाघाट से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट।